ये देखिए हमने ग्रीन कंटेनर में लॉन्ग बीन लगाई है जो कि 1.5 महीना हो गया है लगाई हुई, और ये हल्दी लगाई है और लॉन्ग बीन में अब बीन्स आने लगी हैं। देखिए जो कि गुच्छों में आ रही हैं, ये देखिए, और ये हल्दी है, ये देखिए हमने ऐसे करके इसको ऊपर चढ़ाया है, और ये लॉन्ग बीन जो कि गुच्छों में आ रही हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। 1-2 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग होगी जो कि आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए खूब सारी लग रही है, आप भी लगाइए और इस वेजिटेबल का लुत्फ़ उठाएं। ये देखिए मैंने ये पालक लगाया है जो कि एक बार हमने हार्वेस्ट कर लिया है, और इसमें ही मैंने टमाटर की जो है पौध लगाई है जो कि बड़ी होगी तो हम उसे अलग अलग करके लगा देंगे। और ये मेरा ड्रम स्टिक का प्लांट है, ये देखिए इस बार देखिए इसमें फूल आएंगे या नहीं आएंगे देखते हैं। और ये मेरा एक ऑर्चिड का, और इधर एक मिर्च का प्लांट है, और फिर इधर मेरे बैंगन के प्लांट हैं जो इसमें फूल आ रहा है। इसमें हमने थोड़ी राख छिड़की हुई है क्योंकि चींटियों को भगाने के लिए। देखिए इसमें फ्लावर आ रहे हैं, और इधर फिर मेरा ये बड़ा कंटेनर है, इसमें मैंने लॉन्ग बीन्स और लगाई है। देखिए और ये है मेरा करेले का बेल, इधर मैंने हल्दी लगाई है। ये मेरे गार्डन का ओवरव्यू है, देखिए, और इधर मैंने कद्दू की बेल लगाई है, सीताफल, और ये मेरा स्पिनच, मालाबार स्पिनच क्योंकि हो गए हैं इसको 20 दिन लगाए हुए, और ये मेरा दूसरा स्पिनच ग्रेन स्पिनच है, और ये टमाटर, और इधर चिली, और ये फिर बैंगन, इसमें बैंगन लग रहे हैं, और ये देखिए हमारी हार्वेस्टिंग। ये देखिए आज ये पहली हार्वेस्टिंग है,
ये हमारी लॉन्ग बीन की पहली हार्वेस्टिंग है। ठीक है, ये कम से कम 2 महीने बाद जो है ये हमें हार्वेस्टिंग करने को मिली है।